हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आजकल मैं आपको अलग अलग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड करता है, आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी रीच बढ़ती है ताकि हम ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकें जो अवेयर नहीं है इन्फॉर्मेशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन भी रहता है। वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और ताकि आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकें। ये लिंक बेसिकली टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसलिंग की तरफ से है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको हम लोग शॉर्ट में टाईफैक भी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो टाईफैक एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा है समर 2024 सेशन के लिए। तो अब इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही एक्सेलरेटेड रेट में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ह्यूमन जो मैनकाइंड है उसका बेनिफिट किया जा सके। और बहुत सारे ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसको आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेसेसिटी टू कीप अ फास्ट पेस्ड इंक्लूसिव इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कंट्री को ऐसी साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर चाहिए जो कि ना केवल अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को इस्तेमाल कर सके और अलग अलग डिसिप्लिन में इस्तेमाल कर सके, बट इसके अलावा उनको एक्सपोजर हो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स का और जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं कंट्री में उसको वो पहले से देख सकें और उसके लिए काम कर सकें। तो टाईफैक इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए है, अलग अलग इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, टाईफैक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और यहाँ पे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो यंग इनोवेटिव यंग इंजीनियर्स और साइंस स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो जो पार्टिसिपेट कर सकें जो फोरसाइट एक्टिविटीज़ टाईफैक में चल रही हैं उनमें। तो इसमें आप किसी भी कॉलेज में हो, रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्नोलॉजी कॉलेज में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यंग जो स्कॉलर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेक्निकल एरियाज में काम करने के लिए, जो आइडियाज़ हैं उनको उनके साथ फेमिलराइज होने के लिए, जो कंट्री में मेजर आइडियाज़ चल रहे हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो अंडर ग्रेजुएट लोग भी एलिजिबल हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी एलिजिबल है। तो अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं तो परस्यूइंग बीई, बीटेक, एमसीए एंड शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स या फिर एमएससी इन एनी डिसिप्लिन। तो यहाँ पे देखिए परस्यूइंग लिखा हुआ है, परस्यूइंग बीई, बीटेक, एमसीए, आपकी पढ़ाई चल रही होनी चाहिए और आप 4 सेमेस्टर पूरे कर चुके होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये है, और या तो फिर एमएससी हो आप किसी भी डिसिप्लिन में। पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्नशिप की बात करूँ तो आपकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, कंप्लीटेड बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए इन एनी डिसिप्लिन एंड परस्यूइंग एमई, एमटेक, एमबीए इन एनी डिसिप्लिन। मतलब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए और दूसरा परस्यू हो रहा होना चाहिए। तो ये बात यहाँ से क्लियर कट है, कंप्लीट हो चुके वाला मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप चल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट्स इंटर्न शुड बी फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। एक तो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो इसमें फॉल करता हो आपका इंस्टीट्यूशन, या तो आपका इंस्टीट्यूशन यूजीसी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर एआईसीटीई के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो। जो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 से 6 महीने तक हो सकता है। अब सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स की बात करें तो इंटर्न्स का जो सिलेक्शन होगा वो पहले तो उनकी जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रीन किया जाएगा और उसके बाद उनको इंटरव्यू लिया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड होगा चाहे फिजिकल मोड होगा। इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है। जो फीस होगी, मतलब जो आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी वो 5,000 रुपये पर मंथ फॉर इंटर्नशिप देनी पड़ेगी आपको। टोटल फीस फॉर द इंटायर ड्यूरेशन शुड बी पेड एज लम सम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंटर्नशिप। एक ही बार में आपको सारी की सारी फीस यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम जो है वो 3/6/2024 से प्रोग्राम शुरू होगा, लास्ट डेट 25/5/2024। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करी जा रही है तो 25/5/2024 है, तो यानी कि अभी भी आपके पास 2-3 दिन बाकी हैं, तो चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई का, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे।
यहाँ पे ये दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप, आप इसको फिल कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइफैक का प्रोग्राम जिसमें थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाकर के आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।